हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्टिंग हैं आपके साथ द टेबल्स फ्रॉम टू नाइन और वो सिखाना नहीं है मुझे आपको वो मोटो नहीं है कि आपको मैं टेबल्स याद कराऊंगा नाइन्टी नाइन का लेकिन अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन आता है जिसके जिसमें आपका ये यूज करना होता है तो वो कैसे कर पाओगे आप वो डिस्कस करेंगे हम ठीक है सो वॉट इज अ प्री रिक्विजिट प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी आना चाहिए

जो, जो पहला एजेंडा होने वाला है हमारे सेशन का वो यही होने वाला है कि अगर मैं आपको इलेवन की टेबल आती है तो आप किस तरीके से नाइनटीन की टेबल उसके थ्रू सीख सकते हो और अगर आपको ट्वेल्व की टेबल आती है और अगर वो भी नहीं आती है तो वो कैसे नोट कर सकते हो आप ठीक है एट द सेम टाइम उसी के बेसिस पे आप किस तरीके से 18 की टेबल जो है उसमें प्ले आउट कर सकते हो अपने लिए ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन जहां पे हम आपके साथ ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन बाय वन ठीक है तो मैं बेसिकली ट्वेल्व से लेकर या एक्चुअली इलेवन से लेकर ट्वेंटी तक की टेबल्स या तक की टेबल्स मैं आपके डिस्कस करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में ठीक है एंड उसके कुछ बहुत अच्छे मेथड्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ठीक है सो so, जल्दी से ये नोटिंग कर लेता हूं मैं तब तक आप वेट करिए सो आई गेस आप को अब आपके सामने अब मैंने लिखा हुआ है इलेवन नाइनटीन जो ये अपने आप में एक पेयर होने वाला है एंड देन द देख पेयर होने वाला है हमारा 12 और ठीक है इन दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे एंड आई विल ऑल्सो टीच यू वन वेरी गुड मेथड जिससे आप यहाँ कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हो ठीक है सो वॉट इज द एजेंडा ऑफ इलेवन इलेवन की टेब सबसे सिंपल होती है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन एंड हंड्रेड टेन बस इस तरीके से लिख दो तो आपका टेबल पूरी हो गई ठीक है के टेबल में क्या होता है सो के टेबल में बेसिकली क्या रहता है कि आपने वन लिखा थ्री लिखा फाइव लिखा मतलब यू हैव टू राइट द फर्स्ट फाइव एज योर ऑड नंबर्स ठीक है सो so, पहले फाइव आपने ऑड नंबर्स लिखे नेक्स्ट फाइव आपने क्या लिखे अगले ऑर्ड नंबर लिखे ठीक है तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया आपने। ठीक है? So, की टेबल का यूनिट डिजिट लिख लो या फिर मैं बोलूं नीचे से शुरू करो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन

तो so, यहाँ पे सारे के सारे और, यहाँ पे पहले के पांच जो है ऑड नेक्स्ट पांच इवन ठीक है और, और यूनिट डिजिट कैसे लिखोगे एट की टेबल का जो भी यूनिट डिजिट होता है सो एट वन साइट एट टू झा सिक्सटीन तो सिक्स लिखोगे यूनिट डिजिट ही लिखना है क्योंकि एट थ्री ट्वेंटी फोर एट फोर सा थर्टी टू एट फाइव साइ फोर्टी फोर्टी एट तो एट लिखेंगे तो फोर so लिखेंगे टू so लिखेंगे एंड so जीरो ही यहाँ पे लिखना होगा वैसा ही कुछ आपको ट्वेल्थ की टेबल में करना होता है ठीक है सो ट्वेल्थ की टेबल में क्या है जम्पर ठीक है सो पहले एक जम्प बस यहाँ पे आएगा उसके बाद का एकदम प्रैक्टिकल वैसा ही है ठीक है सेवन एट

टेन लिखने का जैसे ही टू ड्रेड का नंबर आ जाएगा तो वन कैरी और जीरो फोर्टीन 12, uh, 12 लिखने का वही तरीका एटीन लिखने का वही काोगे का 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 अब, अब आप वन इंटू वन ठीक है सो वन टू थ्री फोर और जब यहाँ पे फाइव है लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आपका वन कैरी था तो वन फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा ठीक है

वही लॉजिक होगा नाइनटी टेबल लिखने का भी ठीक है तो आप क्या करोगे आप यहां पर नाइनटी ठीक है जो भी एक्स्ट्रा डिजिट है वो कैरी में जाएगी ठीक है अब वन 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 टू वन टू वन झा टू लेकिन टू प्लस वन अब थ्री हो जाएगा

19 12 एडी ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके साथ द टेबल्स ऑफ 13 एंड 17 का पेयर ठीक है 14 एंड 16 का पेयर एंड देन 15 को हम लोग सेपरेटली देख लेंगे सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू